name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students, how are you? Now we are going to start English work. First of all, we will see today's planner. Week number 8, planner number 36. First of all, you will write date and month. Reading book page 18 plus workbook page 45, workbook page 46. रीडिंग बुक पेज नंबर 18 आज हमने लर्न करना है. वर्क बुक पेज 45 आज हमने क्लास वर्क में करना है. वर्क बुक पेज नंबर 46 इज योर होमवर्क. पेज नंबर 46 आपका होमवर्क है. अब हम चलते हैं हम अपने आज के प्लानर की तरफ. आई हैव ओपन्ड पेज नंबर 45. नाउ यू विल राइट डेट 10/6/20 डे डब्ल्यू ई डी वेड. टुडेज आवर टॉपिक इज माई सेल्फ. माई सेल्फ क्या है? मेरा तारुफ. इस माई सेल्फ में आप अपने बारे में सब बताते हैं. आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी एज कितनी है, आपके कितने बहन भाई हैं, आपके स्कूल में पढ़ते हैं, आपको क्या पसंद है. इसमें आप सारा अपने ही बारे में बताते हैं माई सेल्फ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल आस्क यू व्हाट्स योर नेम. You will say my name is Amina. I will ask you, are you a boy or girl? You will say I am a girl. I will ask you, how old are you? You will say I am 5 years old. ये देखें, आप अपने ही बारे में सब बता रहे हैं. I will ask you, in which class do you read? You will say I read in prep class. आपने अपने ही बारे में सारा बताना है. Now you fill in the detail of yourself. ये देखें, अब इन्होंने myself लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपने अपनी जो डिटेल है ना, आपकी, आपका नाम क्या है, आप लड़का या लड़की हो, आपकी एज कितनी है, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, आपके बहन भाई कितने हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपको क्या पसंद है. ओके, अब हम इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन देखें, माई नेम इज़, आगे कुछ नहीं लिखा होगा. आप बुक ओपन की है आपने, आप देख रहे होंगे कि आगे कुछ नहीं लिखा होगा. अगर आप बॉय हैं तो आप अपना यहाँ पे जो आपका नेम है आप वो लिखेंगे. अगर आप गर्ल हैं तो जो गर्ल नेम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे. ओके, आई एम अ, अब आप बॉय हैं तो बॉयज़ जो हैं वो यहाँ पे बॉय लिखेंगे, जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे गर्ल लिखेंगे. आई एम डैश ईयर ओल्ड, अब आपकी एज कितनी है, 5 है 6 है 7 है, जितनी आपकी एज है वो आप इधर लिखेंगे. ओके, आई रीड इन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, प्रेप क्लास. आई रीड इन प्रेप क्लास. हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, अब आपने बताना है आपके ब्रदर कितने हैं. आई हैव टू ब्रदर, आई हैव टू ब्रदर्स. नेक्स्ट लाइन में आपने बताना है आपकी सिस्टर्स कितनी हैं. आई हैव टू सिस्टर्स. व्हाट्स योर स्कूल नेम, माय स्कूल नेम इज़ दारे अरकम. ओके, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, आपको खाने में क्या पसंद है. आई लाइक टू ईट बनाना, अब जिसको बनाना पसंद है वो बनाना लिखेगा, जिसको मैंगो पसंद है मैंगो लिखेगा, जिसको जो भी फ्रूट पसंद है वो यहाँ पे वो लिखेगा, जिसको जो भी फ्रूट कोई भी चीज़ जो भी पसंद है वो यहाँ पे ये लिखेंगे. अब अगेन एक बार मैं आपको ये दिखा रही हूँ. माय नेम इज़ आमिना, आई एम अ गर्ल, आई एम 5 years old, आई रीड इन प्रेप क्लास, आई हैव टू ब्रदर्स, आई हैव टू सिस्टर्स, माय स्कूल नेम इज़ दारे अरकम, आई लाइक टू ईट बनाना. ओके, अब हम चलते हैं आज अपनी आज की अपनी रीडिंग की तरफ. आई हैव ओपन्ड पेज नंबर 18. मैंने पेज नंबर 18 ओपन किया. पेज नंबर 18 में आज हमने क्या करना है, वर्ड ऑपोजिट. वर्ड ऑपोजिट वी विल बी लर्निंग अबाउट वर्ड ऑपोजिट. एन ऑपोजिट इज़ व्हेन टू वर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर, जब दो लफ्ज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों. और अब आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं, बिग स्मॉल, ये पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, एलिफेंट.
और ये क्या है, रैट। अब एलिफेंट कितना बड़ा है और रैट कितना छोटा है, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है ना। एलिफेंट इतना बड़ा है, बिग है, और ये स्मॉल है। अब ये क्या है, आग है, ये गर्म है, और ये आइस है, ये ठंडी है, हॉट कोल्ड, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। एम्प्टी, ये खाली है और ये भरा हुआ है, फुल। ये कौन सा सीन है, डे का, और ये मून और स्टार्स कब निकलते हैं, रात को, नाइट। ये भी दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। इसी तरह हम नीचे जितनी भी पिक्चर्स हैं उसको देख के आपको इन वर्ड ऑपोजिट्स का पता चल जाएगा कि वर्ड्स ऑपोजिट क्या होते हैं। एक दूसरे से बिल्कुल चेंज, एक दूसरे से मुखालिफ होना, कि एक चीज़ बड़ी है, दूसरी छोटी है, एक लंबी है, एक बहुत लंबी है, एक बहुत छोटी है, एक मोटी है, एक पतली है। इस तरह से दिन है, रात है, हर चीज़ का एक ऑपोजिट होता है। अब इन पिक्चर्स में जो आज हम पढ़ेंगे, लिसन, लुक एंड रीड, बिग स्मॉल, हॉट कोल्ड, एम्प्टी फुल, डे नाइट, लॉन्ग शॉर्ट, हैप्पी सैड, इन आउट, नियर फॉर, थिक थिन। ये देखें, ये थिक, ये कितनी मोटी बुक है, और ये थिन बहुत पतली सी है। ये इस ट्री के बहुत करीब है, नियर, और ये देखें, ये मंकी इस ट्री के बहुत दूर है, फॉर। ओके, उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गई होगी आज की लर्निंग की, और आज का जो हमने क्लास वर्क करना है, और आपका होमवर्क भी है आज वर्कबुक पे, वो भी आपने नीट राइटिंग में करना है, पेंसिल शार्प करके, बार बार इरेज नहीं करना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।